ओम नारायणम नमस्कृत्य नरम चैव नरोत्तमम देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जय मुदीरित। संक्षिप्त ब्रह्म वैवर्त प्राण श्री कृष्ण जन्म खंड 45वां व 46वां अध्याय। शिव पार्वती के विवाह का होम, स्त्रियों का नव दंपत्ति को कौतुकागार में ले जाना, देवांगनाओं का उनके साथ हास विनोद, शिव के द्वारा कामदेव को जीवनदान, वर वधु और बारात की विदाई, शिव धाम में पति पत्नी की एकांत वार्ता, कैलाश में अतिथियों का सत्कार और विदाई, सास ससुर के बुलाने पर शिव पार्वती का वहां जाना तथा पार्षदों सहित शिव का श्वशुर गृह में निवास। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, प्रिय तदनंतर महादेव जी ने वैदिक विधि से अग्नि की स्थापना करके पार्वती को अपने वाम भाग में बिठाकर वहीं यज्ञ अर्थात वैवाहिक होम किया। वृंदावन विनोदिन उस यज्ञ के विधि पूर्वक संपन्न हो जाने पर भगवान शिव ने ब्राह्मण को दक्षिणा के रूप में 100 स्वर्ण दिए। तत्पश्चात गिरिराज के नगर की स्त्रियों ने प्रदीप लाकर मांगलिक कृत्य का संपादन किया। फिर वे नव दंपत्ति को घर में ले गईं। उन सब ने प्रेम पूर्वक जय ध्वनि तथा शुभ निर्मंचन आदि करके मंद मुस्कुराहट के साथ कटाक्ष पूर्वक शिव की ओर देखा। उस समय उनके अंगों में रोमांच हो आया था। वास भवन में प्रवेश करके कामिनियों ने देखा शंकर अत्यंत सुंदर और वेशभूषा से सुशोभित हैं। उनका प्रत्येक अंग रत्न निर्मित आभूषणों से विभूषित है, चंदन अगरु कस्तूरी तथा कुमकुम से अलंकृत है। उनके प्रसन्न मुख पर मंद मुस्कान की प्रभा फैल रही है। वे कटाक्ष पूर्वक देखते और मन को हर लेते हैं। उनकी वेशभूषा अपूर्व एवं सूक्ष्म है। वे सिंदूर बिंदुओं से विभूषित हैं। उनकी गौर कांति मनोहर चंपा की आभा को तिरस्कृत कर रही है। वे सर्वांग सुंदर नूतन यौवन से संपन्न तथा मुनिंद्रों के भी चित्त को मोह लेने वाले हैं। वहाँ सरस्वती, लक्ष्मी, सावित्री, गंगा, रते, अदिति, शची, लोपामुद्रा, अरुंधति, अहल्या, तुलसी, स्वाहा, रोहिणी, वसुंधरा देवी, शतरूपा तथा संज्ञा, ये 16 देवांगनाएं भी उपस्थित थीं। इनके सिवा और भी बहुत सी मनोहर रूप वाली देवकन्याएं, नागकन्याएं तथा मुनिकन्याएं वहां आई थीं। उस समय जो देवांगनाएं गिरिराज के भवन में विराजमान थीं, उन सब की संख्या बताने में कौन समर्थ है। उनके दिए हुए रत्नमय सिंहासन पर दूल्हा शिव प्रसन्नता पूर्वक बैठी। उस समय उन 16 दिव्य देवियों ने सुधा के समान मधुर वाणी में भगवान शंकर को बधाई दी, उनके साथ विनोद भरी बातें की और पार्वती को सुख पहुंचाने के लिए विनम्र अनुरोध किया। इसी समय भगवान शंकर ने रथ पर कृपा की। रथ ने गांठ में बंधी हुई कामदेव के शरीर की भस्म राशि उनके सामने रख दी और शिव ने अपनी अमृतमयी दृष्टि से देखकर भस्म के उस ढेर से पुनः कामदेव को प्रकट कर दिया। तत्पश्चात योगियों के परम गुरु निर्विकार भगवान शंकर ने उन परिहास परायणा देवियों से कहा, आप सबकी सब साध्वी तथा जगन माताएं हैं, फिर मुझ पुत्र के प्रति यह चपलता क्यों। शिव की यह बात सुनकर वे देवियां संभ्रम पूर्वक चित्र लिखी सी खड़ी रह गईं। इसके बाद शंकर जी ने भोजन किया। फिर उन्होंने मनोहर राज सिंहासन पर विराजमान हो उस दिव्य निवास गृह की अनुपम शोभा एवं चित्रकारी देखी। यह सब देखकर उन्हें आश्चर्य और परम संतोष हुआ। रात को उन्होंने उसी देवी भवन में विश्राम किया। प्राणवल्लभे, जब प्रातःकाल हुआ तब नाना प्रकार के वाद्यों की मधुर ध्वनि होने लगी। फिर तो सब देवता वेग पूर्वक उठे और वेशभूषा से सज्जित हो अपने अपने वाहनों पर सवार होकर कैलाश की यात्रा के लिए उद्यत हो गए। उस समय नारायण की आज्ञा से धर्म उस वास भवन में गए और योगीश्वर शंकर से समयोचित वचन बोले। धर्म ने कहा, प्रमथेश्वर आपका कल्याण हो,
उठिए उठिए और श्री हरि का स्मरण करते हुए महेंद्र योग में पार्वती के साथ यात्रा कीजिए। वृंदावन विनोदिन, धर्म की बात सुनकर शंकर ने पार्वती के साथ महेंद्र योग में यात्रा आरंभ की। पार्वती के साथ देवेश्वर शंकर के यात्रा करते समय मीना उच्च स्वर से रोपणी और उन कृपा निधान से बोली। मीना ने कहा, कृपा निधे, कृपा करके मेरी बच्ची का पालन कीजिएगा। आप आशुतोष हैं, इसके सहस्त्रों दोषों को क्षमा कीजिएगा। मेरी बेटी जन्म जन्म में आपके चरण कमलों में अनन्य भक्ति रखती आई है। सोते जागते हर समय इसे अपने स्वामी महादेव के सिवा दूसरे किसी की याद नहीं आती है। आपके प्रति भक्ति की बातें सुनते ही इसका अंग अंग पुलकित हो उठता है और नेत्रों से आनंद के आंसू बहने लगते हैं। मृत्युंजय, आपकी निंदा कान में पड़ने पर यह ऐसी मौन हो जाती है मानो मर गई हो। मीना यह कह ही रही थी कि हिमवान तत्काल वहां आ पहुंचे और अपनी बच्ची को छाती से लगा फूट फूट कर रोने लगे। वत से हिमालय को, मेरे इस घर को सूना करके तू कहां चली जा रही है? तेरे गुणों को याद करके मेरा हृदय अवश्य ही विदीर्ण हो जाएगा। यों कहकर शैलराज ने अपनी शिवा शिव को सौंप दी और पुत्र तथा बंधु बांधवों सहित वे बारंबार उच्च स्वर से रोदन करने लगे। उस समय कृपा निधान साक्षात भगवान नारायण ने उन सबको कृपा पूर्वक अध्यात्म ज्ञान देकर धीरज बंधाया। पार्वती ने भक्तिभाव से माता पिता और गुरु को प्रणाम किया। वे महामाया रूपिणी हैं, अतः माया का आश्रय ले बारम्बार जोर जोर से रोने लगी। पार्वती के रोने से ही वहां सब स्त्रियां रोने लगीं। पत्नियों तथा सेवक गणों सहित संपूर्ण देवता और मुनि भी रो पड़े। फिर वे मानसशायी देवता शीघ्र ही कैलाश पर्वत को चल दिए तथा दो ही घड़ी में शिव के निवास स्थान पर सानंद जा पहुंचे। यह देखकर वहां के मंगल कृत्य का संपादन करने के लिए देवताओं और मुनियों की पत्नियां भी दीप लिए शीघ्रतापूर्वक सहर्ष वहां आ गईं। वायु, कुबेर और शुक्र की स्त्रियां, बृहस्पति की पत्नी तारा, दुर्वासा की स्त्री अत्रि भार्या अनुसूया, चंद्रमा की पत्नियां देवकन्या, नागकन्या तथा सहस्त्रों मुनिकन्याएं वहां उपस्थित हुईं। वहां जिन असंख्य कामिनियों का समूह आया था, उन सब की गणना करने में कौन समर्थ है? उन सब ने मिलकर नव दंपत्ति का उनके निवास मंदिर में प्रवेश कराया तथा उन महेश्वर को रमणीय रत्नमय सिंहासन पर बिठाया। वहां भगवान शिव ने सती को उनका पहले वाला घर दिखाया और प्रसन्नतापूर्वक पूछा, प्रिय, क्या तुम्हें अपने इस घर की याद आती है? यहीं से तुम अपने पिता के निवास स्थान को गई थी। अंतर इतना ही है कि इस समय तुम गिरिराज कुमारी हो और उस समय यहाँ दक्ष कन्या के रूप में निवास करती थी। तुम्हें पूर्व जन्म की बातों का सदा स्मरण रहता है, इसीलिए पिछली बातों की याद दिला रहा हूँ। यदि तुम्हें उन बातों का स्मरण है तो कहो। भगवान शंकर की बात सुनकर पार्वती मुस्कराई और बोली, प्राणनाथ, मुझे सब बातों का स्मरण है, किंतु इस समय आप चुप रहें, उन बीती बातों की चर्चा न करें। तत्पश्चात शिव ने सामग्री एकत्र करके नारायण आदि देवताओं को नाना प्रकार के मनोहर पदार्थ भोजन कराए। भोजन के पश्चात भांति भांति के रत्नों से अलंकृत हो अपनी स्त्रियों और सेवक गणों सहित सब देवता भगवान चंद्रशेखर को प्रणाम करके विदा हुए। भगवान नारायण और ब्रह्मा को शंकर जी ने स्वयं ही प्रणाम किया। वे दोनों उन्हें हृदय से लगाकर आशीर्वाद दे अपने अपने स्थान को चले गए। इसके बाद हिमवान और मीना ने मैनाक को बुलाया और कहा, बेटा, तुम्हारा कल्याण हो, तुम शिव और पार्वती को शीघ्र यहाँ बुला लाओ। उनकी बात सुनकर मैनाक शीघ्र ही शिव धाम में गया और पार्वती एवं परमेश्वर को लिवाकर आ गया। पार्वती का आगमन सुनकर बालक बालिका, वृद्धा तथा युवती स्त्रियां भी उन्हें देखने के लिए दौड़ी आईं। पर्वतगण भी सानंद भागे आए। मीना अपने पुत्रों और बहू के साथ मुस्कराती हुई दौड़ी। हिमालय भी प्रसन्नतापूर्वक पुत्री की अगवानी के लिए दौड़े आए। देवी पार्वती ने रथ से उतरकर बड़े हर्ष के साथ माता पिता तथा गुरुजनों को प्रणाम किया।
उस समय वे आनंद के समुद्र में गोते लगा रही थी। हर्ष विह्वल मीना और मोद मग्न हिमालय ने पार्वती को हृदय से लगा लिया। उन्हें ऐसा लगा मानो गए हुए प्राण वापस आ गए हों। पुत्री को घर में रखकर गिरिराज ने उसके लिए रत्न सिंहासन दिया और शूलपाण शिव तथा उनके पार्षदगणों को मधुपर्क आदि दे सहर्ष उनका सत्कार किया। पार्षदों सहित भगवान चंद्रशेखर अपने ससुर के घर में रहने लगे। वहां प्रतिदिन पत्नी सहित उनकी 16 उपचारों से पूजा होने लगी। राधे, इस प्रकार मैंने तुमसे भगवान शंकर के मंगल परिणय की कथा कह सुनाई, जो हर्ष बढ़ाने वाली तथा शोक का नाश करने वाली है। अब और क्या सुनना चाहती हो? संक्षिप्त ब्रह्म वैवर्त प्राण श्री कृष्ण जन्मखंड अध्याय 45 व 46 संपूर्ण। जय राधा माधव।